स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए एनिमल के ट्रेलर का रिएक्शन। सो एनिमल जो रणबीर कपूर की मूवी, उसका फाइनली ट्रेलर आ गया है। बहुत अवेटेड था, एंड इसका टीजर इतना कमाल का। ऊपर से ये मूवी के बारे में जो पता लग रहा है ना, एक अलग ही वाइब आ रही है। लाइक इस मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है। चलो हर मूवी जो होती है ना, वो चाहती है वो यूए सर्टिफिकेट ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको हमारे को जो दिखाना है हम वो दिखाएंगे। फिर ये मूवी का इसके बारे में ये भी पता है कि ये मूवी पहले महेश बाबू को ऑफर की गई थी, ऐसी न्यूज आई है कि आई थी कि, लेकिन लेकिन उन्होंने ये रिफ्यूज कर दी। बोला था ये मूवी बहुत ज्यादा डार्क है, तो उसके बाद में और हो गया। मतलब कैसे डार्क, केक बोलते हैं ना, थोड़ी ज्यादा ब्लडी और वायलेंस वाली वैसी है। तभी तो वायलेंस की तो भी मेरे को देख के आदत हो गई है, साउथ की मूवीज देख के। हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, वो यूए मूवीज होती हैं, ये प्रॉपर ए मूवी है। सो इसमें शायद गालियां भी फुल होंगी, सब चीज हो सकता है। एंड मेनली ये की इस मूवी की जो सॉन्ग भी रिलीज हुए ना, सब कमाल। मैंने तो ऑन लूप सुने, हुआ मैं हो गया और वो सतरंगा, हमारा फेवरेट है सतरंगा। एक्चुअली सतरंगा इतना प्यारा गाना है ना, रश्मिका उसमें इतनी प्यारी लग रही होती है। So, देखते हैं अब ये कैसा रहता है इसका ट्रेलर, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके ठीक है, गेम खेल रहे लोग। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है, मेरा नहीं हूं मैं। मैं डर गई भाई साहब, तो उसके लिए सुपर हीरो मेरे को डांटा है, ऐसा लग रहा है। क्या था ये, हमें 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर पसंद है। आशा कर, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। आई ग्रो अगेन पापा, सब चीज पापा के लिए। क्या कनेक्शन है ये? मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। चल मर गया वो। मर गया दोबारा। मेरे पापा के लिए मेरा फेल है, पास है, यह दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तेरे पापा के लिए प्यार चोक नहीं, रोग है। आई विश यू डाइड दैट डे। हाँ, किसने मारी गोली? किसने मारा है? डोंट टेल मी, इसी ने मारा है। कहीं जाओ। पापा का जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। कैसा मोड़ है? तो पहले लड़ते हैं, फिर वापस साथ हो जाते हैं। मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई है, दुनिया चला दूंगा पापा। मुझे भी नहीं पता ये क्या है। Oh my God, Bobby Deol. सब कुछ ही मिटा दिया होगा। क्या ट्रेलर है ये? अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। क्या देखा है, मेरा सर घूम गया है। क्या देखा है ये, क्या कमाल बनाया है भाई संदीप रेड्डी वंगा। मेरे से न
अभी वेट ही नहीं हो रहा है फर्स्ट दिसंबर का, बहुत दूर लग रही है मेरे को वो डेट। ये ट्रेलर का अगर 20-30% भी ये मूवी हुई ना, आग लगा देगी सच में। क्या मैडनेस है उसको अपने पापा को लेके, कि भाई पापा से प्यार इतना है कि वो कुछ भी कर देगा, कर लेगा पूरा। मतलब इसमें दिखाया है कि फादर एंड सन का बॉन्ड है, पर इसमें पर वो प्यार वाला बॉन्ड नहीं है। पर भाई जंग छिड़ जा रही है, ऐसा कैसा प्यार है? और प्यार भी उनके बीच में नहीं है, लाइक उसके पापा से उसको नाराजगी है, लाइक बचपन में उसको कॉन्सर्ट में जाना था। वो इंट्रो सीन क्या था, सुनाई दे रहा है मेरे को, लाइक मेरे पापा है वो मेरे को डांट दिया। अरे और वो इतना ज्यादा खनक के आया, तो वो हेट्रेड भी है बचपन की, एंड उनके मुंह पे जलन जला हुआ था। हाँ, और पता है हमने जब सॉन्ग्स और टीजर देखा ना, उसमें मेरे को लगा कि ये थोड़ा रोमांस और, पर अभी ये पूरा ट्रेलर देख के मेरे को लग रहा है फुल मारा मारी, फुल एक्शन सीन्स होने वाले। पहले मेरे को लगा काफी रोमांस होगा, काफी कुछ चीजें होने वाली है, बट अब तो लग रहा है पूरा खून खराब होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ खून खराब आए। और लाइक मेरे पापा को किसने मारा उस तरीके से उनका वो है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, गाल पे किस करी पापा को। उसके बाद फिर वहां पे बॉबी देओल फुल खूनम खून, और उनका भी सब, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है इसमें। मतलब रश्मिका मेरे ख्याल से एक रोल वो प्ले करेंगी जो इनको रोक रही होगी थोड़ा मोटा। हाँ, और रणबीर कपूर तो ऑल आउट जा रहे होंगे, और उसका रणबीर कपूर का लुक कितना सॉलिड है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है और वो ऐसे गुंडों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दाढ़ी और मैसी हेयर, फैन हो गई, दोबारा फैन हो गई मैं। एंड ऊपर से मेरे को चॉइस ऑफ पीपल भी बहुत अच्छे लगे, जैसे उनके जो अराउंड उन्होंने कैसे रखे हैं, वो सारे सूट बूट में सरदार रखे हैं, तो वो और ऐसे लग रहे हैं कि हाँ भाई मारने ही खत्म। हाँ, क्लासी लुक लग रहा, पूरा टीम उनकी बहुत एक वो खतरनाक लग रही है। एंड आसपास के जो लोग ऐसे बॉबी देओल हो गए, वो ऐसे मतलब अब उनके भाई विलन है या कैसा है वो समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ट्रेलर में इतने गूज़बम्स आ चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं देखने जाऊंगी तो क्या होगा मेरा। सही में ये मूवी बहुत ही खतरनाक लग रही है, इसको जरूर देखने जाएंगे। ये ऐसी मूवी चाहिए होती है ना जो एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आती है, बिकॉज हमको लग रहा है ठीक है अब कुछ स्टोरी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि बस दिमाग हिला दे बस। सही में बहुत हो गया परिवार वरिवार प्यार व्यार देख लिया, अब ऐसा कुछ देखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।